आदाब नाज़रीन, आप देख रहे जीके टीवी उर्दू खबरों के साथ मैं हूँ शाफिया रियाज। आगाज में हम बात करेंगे सूबे जम्मू के कठुआ इलाके के हवाले से। सूबे जम्मू के कठुआ जिले में जंगजू ने फोर्सेस की कॉन्वे पर मछड़ी इलाके में घात लगाकर हमला किया, जिसके नतीजे में दो अहलकार जख्मी हो गए, जबकि हमले के फौरन बाद ही तरफेन में गोलियों का तबादला शुरू हुआ। आखिरी इतला मिलने तक इलाके में झड़प जारी थी। उधर जनूबी कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ दो अलग अलग तसादुम आराइयों के दौरान 6 अस्करी पसंदों के मारे जाने को फौज ने एक बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि ये अस्करी तंजीमों के लिए बहुत बड़ा धचका है। खरबुल अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए GOC 2 सेक्टर RR पृथ्वीराज का मजीद कहना था, ऑपरेशन 24 घंटे से ऊपर चला और इसके अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के दो टेररिस्ट को मार गिराया, जिसमें आदिल हुसैन वानी जो कि एक टॉप HM के कमांडर है वो थे, और ये काफी समय से सक्रिय थे। जैसा आपको DIG साहब ने बताया, इन्होंने कई सारी आतंकी घटनाओं को भी अंजाम दिया हुआ था। ये ऑपरेशन जो इन दोनों टेररिस्ट से और जो हाइड में हमें भारी मात्रा में सामान मिला, असला बारूद, ये एक हिजबुल मुजाहिदीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसा कमांडर वन सेक्टर ने भी बताया कि दो ऑपरेशन में 6 हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट मारे जाना, एक उनके लिए और खासकर उनके ऊपर की लीडरशिप खत्म होना, ये एक बहुत बड़ा झटका है। वहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और रुकन पार्लियामेंट मियां अल्ताफ का कहना है कि अमन को यकीनी बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। सूबे जम्मू के रजौरी हलके का दौरा करते हुए उन्होंने जराए अबलाग से बात करते हुए इन बातों का इजहार किया। मैं तो यही कहूँगा कि सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे अमन रहे, यहाँ का भाईचारा रहे और अमन रहे, ये सबसे अहम चीज़ है। क्योंकि ये हिली एरिया भी है, फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं, और आप यहाँ के जो रहने वाले हैं आपने कई परेशानियाँ इस हवाले से माजी में देखी हैं, बहुत बड़ी परेशानियाँ देखी हैं। 1947 के बाद भी 1947 में जंग में तबाही हुई, 1963 में हुई, 1971 में हुई, उसके बाद 90 के बाद ये हालात रहे। तो हम सबको मिल के ये कोशिश करनी है कि यहाँ के हालात जो हैं वो ठीक रहे। वहाँ तारीखी मुगल शहरा पर पानर के मकाम पर मिट्टी खिसकने से शहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। तहम शहरा की बहाली का काम जारी है। उधर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली सरकार ने पूरी दुनिया में मुल्क हिंदुस्तान को एक रुतबा हासिल किया है, ये कहना है BJP के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग का। नरेंद्र मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद विश्व मंच पर भारत की उपस्थिति एक नायक के रूप में उभरी है। भारत की विश्व में चमक व धमक आज स्पष्ट दिख रही है। आज विश्व में पर्यावरण के नेता के रूप में भारत, आज विश्व में शांति के दूत के रूप में भारत, विश्व के अंदर आर्थिक पांचवी महाशक्ति बना हुआ भारत और तीसरी महाशक्ति की ओर बढ़ता हुआ भारत, वॉर हो या प्राकृतिक आपदा, अपने हजारों नागरिकों की रक्षा हमने करके दिखाई है। कांग्रेसी नेता चाहे वो राहुल गांधी हो या अन्य, हमेशा ही उनसे देश की तरक्की पच नहीं रही है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे आप। जीके टीवी देखते रहिए।